से पहले जिक्र करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अंदरूनी सियासत अब घरेलू रिश्तों पर भी असरअंदाज होने लगी है। पार्टी में असर रसूख बढ़ाने और कब्जे के लिए नन भावच में ठन गई है। अलीमा खान ने बुशरा बीबी के पैगाम को डिसइंफॉर्मेशन करार दे दिया। उधर बानी पीटीआई की हुई है। पीटीआई के साजिशी किरदार अपनी ही साजिशों का शिकार होने लगे। झूठे बयानिए के जरिए पीटीआई पर कब्जे की जंग का मंजरनामा आश्कार हो गया। अलीमा खान और रऊ हसन के दरमियान होने वाले व्हाट्सएप पैगाम ने नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। बुशरा बीबी और अलीमा खान के दरमियान शरीद मुखालफत और खानदानी दरार वाजे हो गई। दोनों खवातीन पार्टी पर अपने अपने कब्जे के लिए मुतहर्रिक। सियासी माहिरीन के मुताबिक बुशरा बीबी के असर रसूख को कम करने के लिए अलीमा खान रऊ हसन को इस्तेमाल कर रही हैं। व्हाट्सएप गुफ्तगू रऊ हसन पर अलीमा खान की मजबूत गिरफ्त साबित करती है। मुबसरीन का कहना है कि बुशरा हमदर्दी वोट के लिए मनगढ़ंत बयान दे रही हैं। सियासी मफादात के लिए बानी पीटीआई की जेल में मौत का फर्जी खेल खेलने की कोशिश कर रही है। बुशरा बीबी का साजिशी जहन अलीमा खान के लिए तशवीश का सबब बन गया। पार्टी बचाने के लिए अलीमा खान ने बुशरा के पैगाम को डिस इन्फॉर्मेशन करार दे दिया। मौजूदा हकायक से साबित होता है कि बुशरा बीबी और अलीमा खान में पार्टी पर कब्जे की जंग दोनों के दरमियान शदीद कशीदगी का सबब बन रही है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।